दोस्तों फिल्म निर्देशक या यूं कहें कि डायरेक्टर किसी भी फिल्म की वो कड़ी है जिसके बिना फिल्म बनाना इम्पॉसिबल सा होता है। बिकॉज डायरेक्टर वो शख्स है जो कि किसी भी फिल्म को अच्छे लेवल पर निर्देशित करके अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। और ऐसे ही डायरेक्टर्स में शामिल एक नाम जो आज की डेट में काफी अच्छे डायरेक्टर है और उनका नाम है एस एस राजामौली। ये एक ऐसे डायरेक्टर है जो काफी एक्टर्स के करियर को पीक पर ले जा चुके हैं। जैसे आप खुद देखो इनकी कुछ फिल्मों के नाम और खुद ही समझ जाओगे कि क्या क्वालिटी है इनकी फिल्मों की। जैसे मगाधीरा, बाहुबली, बाहुबली 2 एंड RRR जैसी फिल्में इन्होंने ही दी है और इसलिए इनको बेस्ट डायरेक्टर बोलना गलत नहीं होगा। अब जूनियर NTR के साथ भी इनकी एक फिल्म आई थी स्टूडेंट नंबर 1 और इस फिल्म ने जूनियर NTR को भी काफी अच्छी खासी पहचान दिलाई थी। वहीं अगर बात की जाए प्रभास की तो आजकल इनकी फिल्में जिस तरह से गिरती हुई नजर आ रही है वैसा पहले नहीं था, लेकिन उम्मीद है कि सालार आने के बाद प्रभास की अच्छी वापसी हो सकती है। अब आप ही देख लीजिए साल 2015 में जब बाहुबली आई तब प्रभास के स्टारडम में एक अच्छा उछाल देखने को मिला और इस फिल्म ने प्रभास को पैन इंडिया स्टार बना दिया। फिर उसके बाद प्रभास ने अलग अलग डायरेक्टर के साथ काम किया और साहो, राधे श्याम और आदि पुरुष जैसी फिल्में दी, लेकिन ये फिल्में उनको बाहुबली जैसी खुशी नहीं दे पाई। फिलहाल दोस्तों अब आप ही बताओ कि आपकी नजर में कौन सबसे बेस्ट डायरेक्टर है। बाकी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।